विरार पूर्व के वज्रेश्वरी रोड स्थित सायन गांव में सोमवार की दोपहर पुलिस ने एक बंद बंगले पर छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में डिटोनेटर, जेलेटिन व सेफ्टी फ्यूज जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक विवेक सोनावने के मुताबिक सोमवार की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि वज्रेश्वरी रोड सायन गांव स्थित एक बंद बंगले में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई है। सूचना के आधार पर सोनावने की टीम ने बंगले पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 183 जेलेटिन की छड़ी, 103 डिटोनेटर, 345 नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और 21 सेफ्टी फ्यूज जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने तुकाराम हडल व उनकी पत्नी बीना हडल को गिरफ्तार किया है। सोनावने ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इसे मछली मारने वालों व रेती माफियाओं को बेचते थे। आगे की जांच विरार पुलिस कर रही है। जो कार्रवाई चल रहा है, एक्चुअली कल 3 तारीख को हमारे मांडवी दुर्ग क्षेत्र के अंडर में रेती की कार्रवाई हुई है। वहाँ पे रेती कार्रवाई करते समय 24 डिटोनेटर वहाँ पे बरामद हुए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि ये और बाहर से आता है या किसी और, जो गांव है अपना आजू बाजू का गांव है वहाँ पे हमने सर्च किया। हमको जो अपना सोर्स है गुप्त बतमीदार, उनके बारे में पता चला। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा, देखो आप जाके अब आपको कुछ ना कुछ हासिल होएगा। तो उसके हिसाब से आज हम सुबह वहाँ पे गए तो साइवन करके गांव है, तो साइवन गांव में हडल नाम का व्यक्ति जो है उसके बंगले पे हम दूसरे माले पे सर्च किया। तो वहाँ पे हमको बैरल के नीचे वो जिलेटिन का जो 183 पीसेस हमको मिला है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 103 पीस है और नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 345 और जो सेफ्टी फ्यूज़ है वो 21 बंडल, ऐसा टोटल माल बरामद हुआ है और वो हमने गुने के इसमें जब्त कर लिया। सर, ये पूरे माल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल अभी तक तो फर्स्ट प्राइमरी अंदाज हमारे ये कि रेती उत्खनन और फिशिंग के बारे में उसका यूज़ किया जाता है। सर, किसी को इसमें हिरासत में लिया हुआ है? हाँ, जो जिसके घर में मिला है वो, जो हडर और उसकी वाइफ, वो दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया।